प्रभु, ये कंस क्या कह रहा है? ये गोपियां और ऋषि? हाँ प्रभु, मैं भी कुछ समझ नहीं पा रहा। कंस सत्य कह रहा है देव। उग्र तप, सत्य तप, हरिधाम और जबाली, ये चारों मेरे परम भक्त हुआ करते थे। उन्होंने मेरा सानिध्य प्राप्त करने के लिए इसी मलय पर्वत की वेदियों में 10 मन मंत्रों तक मेरी घोर तपस्या की थी। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ऋषिवर, आंखें खोली। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। आपके सहस्त्र वर्षों के पवित्र निस्वार्थ तप से मैं आप सबसे बहुत प्रसन्न हूं। कहीं आपको क्या वर चाहिए? हे प्रभु, इस संसार में आपके सानिध्य से पवित्र और कुछ भी नहीं, इसलिए मनुष्य जन्म में हम आपके साथ रहना चाहते हैं, आपकी लीलाओं के साक्षी बनना चाहते हैं प्रभु। तथास्तु, ऐसा ही होगा। द्वापर युग में, इस संसार में, मैं जब कृष्ण के रूप में अवतरित होऊंगा, तब आप सभी गोपियों के रूप में मेरे सहचर होंगे। धन्य हुए प्रभु, धन्य हुए। कंस अपनी तामसी शक्तियों के द्वारा अतीत के सत्य से अवगत हो चुका है और इसीलिए वो गोपियों के द्वारा मुझ तक अर्थात कान्हा तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। चक्रधारी, देखा देखा मेरा चक्रव्यूह? नहीं समझा? मैं समझाता हूं। पिछले जन्म में तूने उन भक्त ऋषियों को उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान दिया था कि तू उन्हें इस जन्म में इन गोपियों को परम अवतार के रूप में दर्शन देगा, इन्हें सानिध्य देगा।